काफी पुराना मंदिर है ये रुक्मणी माता का, और कहते हैं कि बिना रुक्मणी माता के मंदिर आए आपकी द्वारका की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। बैलगाड़ी होती है, उसमें बैलगाड़ी में जो दो बैल होते हैं, दोनों बैल की जगह पे एक और कृष्ण भगवान रहे और एक और रुक्मणी माता रहे, और पीछे में बैठू, ऐसी कठिन शर्त उन्होंने रखी। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि हम रुक्मणी माता मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, और अभी पट लगे हुए हैं, और सभी जो भक्त लोग हैं वो अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रुक्मणी जी के जो पिताजी है, रुक्मणी माता की शादी शिशुपाल के साथ निश्चित कर दी थी, जो रुक्मणी माता को कतई मंजूर नहीं था। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। जी हाँ, द्वारका में हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये एक तालाब की तरह आप इसको देख सकते हैं, और कहे तो इसको एक समुद्र का जो पानी जो आता है एक नदी के रूप में आप इसको देख पा रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ, आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है माता रुक्मणी जी के मंदिर का। जी हाँ, हमको बताया गया है कि जो भी कोई द्वारका में आता है, जो भी कोई द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहता है और जो अपनी यात्रा को सफल बनाना चाहता है, वो यात्रा सफल तभी होगी जब माता रुक्मणी का जो मंदिर मेरे सामने आप देख रहे हैं उसका दर्शन जो भक्त लोग करते हैं, उसके बाद ही इसे संपूर्ण यात्रा माना जाता है इस द्वारका को। और उसी माता रुक्मणी के मंदिर के तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं, और देखते हैं आप देख पा रहे हैं ये समुद्र जल जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं इस झरना के तौर पे, और ये आप मेरे सामने ये दृश्य देख रहे हैं। इसी दृश्य के साथ मैं आपको माता रुक्मणी के मंदिर पे लेके चलते हैं। आपसे निवेदन है कि द्वारका धाम की यात्रा को आप भी देखते रहिए, लोगों को भी दिखाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं ये है रुक्मणी माता का मंदिर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रुक्मणी माता का मंदिर जो कि द्वारका धाम की यात्रा का एक विशेष स्थान है, और ये बिल्कुल द्वारका से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जहाँ आप भेड़ द्वारका जाते हैं उसी के रास्ते होते हुए हम इस भव्य मंदिर की तरफ जो देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है रुक्मणी माता, ये उसका मंदिर है। और जितना भी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं सेम एक जैसा स्ट्रक्चर है, और उसी पत्थर से बना हुआ ये सब मंदिर है जिसके बारे में आपको बता रहा था कि आपने हमारी जो वीडियो में देखा होगा कि कैसे द्वारकाधीश का जो मंदिर है उसकी जो बनावट है उससे ही हूबहू ऐसा लगता है कि ये बनावट भी बिल्कुल ऐसी ही है। और रुक्मणी माता मंदिर के लिए आप देख रहे हैं कि हम सीढ़ियों के रास्ते से आपको ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं, और इस मंदिर पर चढ़ने के बाद जो हम आपको दिखाने वाले हैं इस मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि रुक्मणी माता मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे द्वारकाधीश का यह मंदिर बना हुआ है, इन्हीं कला आकृतियों से, इसी वास्तुकला से ये कला जो आप देख रहे हैं। और ये जो पत्थर है ना, ये समुद्र से निकला हुआ पत्थर है, और मैं आपको दिखाऊंगा कई जगह कि समुद्र के किनारे भी इस तरह के पत्थर हैं। आगे की तरफ बढ़े, इस रुक्मणी माता के महल के हम पीछे वाले प्रांगण में चल रहे हैं, और हमारे साथ में प्रभु जी भी हैं। ये कला दिखाइए आप, ये वास्तुकला आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, और ये अपने आप में अलौकिक है। ये मूर्तियाँ जो कि इस समय इस स्ट्रक्चर में बनी हुई है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये रुक्मणी माता का, और कहते हैं कि बिना रुक्मणी माता के मंदिर आए आपकी द्वारका की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और उसी कड़ी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन छोटी छोटी प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण में हम इस समय चल रहे हैं। और आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो पीछे के बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ये बैक वाला हिस्सा है, और ये पूरा पीछे से दिखाइए, नीचे से लेके एक एक जगह को नीचे से लेके ऊपर तक आप देखेंगे रुक्मणी माता के मंदिर के स्ट्रक्चर को। क्योंकि द्वारकाधीश के मंदिर के पास किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन यही चीज़ और यही अनुभव हम आपको द्वारकाधीश मंदिर में जो स्ट्रक्चर है उसका हम रुक्मणी माता के मंदिर के स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं कि वो मंदिर का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का बना हुआ है। और ये पूरा ऊपर ध्वज तक आप देख रहे हैं ये रुक्मणी माता का,
काफी पुराना मंदिर, और मंदिर के स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं तो ये द्वारकाधीश के मंदिर के जैसा ये स्ट्रक्चर है माता रुक्मणी मंदिर का, और ये बरसों पुराना मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हमारे साथ में हमारे जो मित्र हैं ये वीरेंद्र सिंह जडेजा, जो कि इस समय हमारी यात्रा में हमारा साथ दे रहे हैं। प्रभु जी, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये हमने द्वारकाधीश मंदिर में भी देखा है, लगभग एक जैसे मंदिर पूरी द्वारका में। जी, ये द्वारका की भूमि में व्रज चैनल के सब व्यूअर को मैं वीरेंद्र सिंह जडेजा की ओर से हार्दिक स्वागत है। ये जहाँ हम खड़े हैं ना, वो रुक्मणी जी मंदिर है। ये मंदिर का इम्पोर्टेंस यानी माध्यम ऐसा है कि द्वारका की भूमि में आप दर्शन करने के लिए आते हो तो जब तक रुक्मणी माता जी के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। और यहाँ आने के बाद जलदान का महत्व है, उसकी रहस्य कहानी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि रुक्मणी जी का मंदिर है वो द्वारका जगत मंदिर से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो उसके पीछे की भी रोचक कहानी है। रोचक कहानी ऐसी है कि रुक्मणी माताजी जो थे वो अमरावती शहर है, वहाँ की महारानी थी। अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती। और भगवान कृष्ण के चरित्र और उनसे वो मोहित थी, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी जी के जो पिताजी है, रुक्मणी माता की शादी शिशुपाल के साथ निश्चित कर दी थी, जो रुक्मणी माता को कतई मंजूर नहीं था। तो रुक्मणी माता ने एक पंडित जी थे, सुमीर उसका नाम था, ब्राह्मण थे, उनके हस्तक एक पत्र लिखा और ये पत्र उन्होंने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को भेजा कि मेरा शादी करना हम आपसे चाहते हैं, तो हमारा ये जो इनविटेशन है वो आप एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि आप तो द्वारकाधीश हो, हर सृष्टि के हर लोगों का दुख दर्द समझते हो, तो मेरी एक विनंती है। तो द्वारकाधीश ने उनकी विनंती को सहर स्वीकार किया और चैत्र सूद एकादशी के दिन माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण की शादी द्वारका से करीब करीब 80 से 100 किलोमीटर दूर जो माधोपुर घेड़ है, माधोपुर घेड़, वहाँ पे इन दोनों के शादी हुई है। और शादी के बाद ये दोनों रुक्मणी माता और भगवान कृष्ण द्वारका में भोजन की व्यवस्था की है और भोजन का आमंत्रण देने के लिए वो दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए, दोनों गए। अब हम सभी जानते हैं शास्त्रों और वेदों के पुराण में उल्लेख है कि दुर्वासा ऋषि तपस्वी जरूर थे लेकिन बहुत गुस्से वाले ऋषि थे, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता, क्रोधित थे, बहुत क्रोधित थे। तो ये दोनों आशीर्वाद लेने तो गए, दुर्वासा जी ने आशीर्वाद भी दिया और उनका जो भी आमंत्रण था कि द्वारका में उन्होंने जो भोजन रखा है वो लेने के लिए भी आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी, कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशंस ऐसी रखी कि जो घोड़े पे जा रहे थे उनकी जगह बैलगाड़ी होती है, उसमें बैलगाड़ी में जो दो बैल होते हैं दोनों बैल की जगह पे एक और कृष्ण भगवान रहे और एक और रुक्मणी माता रहे और पीछे में बैठूं, ऐसी कठिन शर्त उन्होंने रखी। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि ऋषि मुनि और गुरु का कभी उनकी जो भी आज्ञा है उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता ने उनका जो भी ये कठिन शर्त थी उनको मान्य रखा, दो बैल की जगह पे दोनों जुड़ गए और बैलगाड़ी में पीछे दुर्वासा ऋषि रखे। करीब करीब जब दुर्वासा ऋषि के आश्रम से 23 किलोमीटर बैलगाड़ी चलती है तो एक टुकड़ी गांव आता है, टुकड़ी गांव के आगे रुक्मणी माता को प्यास लगती है, बहुत थकान लगती है, आगे नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो बैल की तरह चलना पड़ता था। तो भगवान कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठा जो है वो अंगूठा जमीन पे डाल के वहाँ से गंगा जी को प्रकट किया और उनकी प्यास बुझाई, लेकिन उनसे एक चूक हो गई। चूक ये हो गई कि उन्होंने ये जो गेस्चर है, आमंत्रण है, वो दुर्वासा ऋषि को नहीं कहा,
तो दुरासा रूसी गुस्से हो गए और उनको ऐसा लगा कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, और उन्होंने ये दोनों को श्राप दे दिया, दो श्राप दिया। एक श्राप तो ये दिया कि आप दोनों यानी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी करीब 12 साल तक दूर रहोगे, पास नहीं आ पाओगे, और यहाँ का जो भी पानी है वो मीठा नहीं रहेगा, वो पूरा नमकीन यानी खरास भरा सोल्टी हो जाएगा। तो ये 12 साल तक उनको ये श्राप का श्राप से वो श्रापित हो गए, और 12 साल बाद भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों ने दुर्वासा के आश्रम पे जाके फिर से उनकी पूजा की, उनको नमन किया और उनका श्राप वापिस लिया। तो बहुत ही रोचक कहानी है। और बाद में रुक्मिणी माता ने यहाँ पे ही जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे आके जो पानी ग्रहण किया, माता जी की प्रसादी के स्वरूप में पानी ग्रहण किया, इसलिए इस जगह का महत्व यही है कि यहाँ पे जो भी भाविक लोग आते हैं वो पानी दान करते हैं, जल दान जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो अच्छा। इस टेम्पल का इम्पोर्टेंस है, यहाँ का दान ही यही है। और द्वारका नगरी में आप दर्शन करने के लिए जब भी आते हो तो जब तक रुक्मिणी माता के मंदिर का दर्शन नहीं करते हो तो आपकी ये यात्रा पूर्ण नहीं होती है, ये इस जगह का इम्पोर्टेंस है। कितने सुंदर तरीके से इन्होंने हमें बताया है कि हम भारत भूमि में अनेकों मंदिरों को देखते हैं, अनेकों मंदिरों की अनेकों महिमाएं होती हैं, लेकिन इस मंदिर की महिमा देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर जलदान होता है। आइए उसका भी हम दर्शन करेंगे। उससे पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जो कि रुक्मिणी माता मंदिर का स्ट्रक्चर है ये पूरा, और इस मंदिर के पिछले हिस्से में हम हैं, और पिछले हिस्से के बाद अब हम बिल्कुल सामने जा रहे हैं जहाँ पर कि रुक्मिणी माता मंदिर का जो दर्शन है उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले जिस जल सेवा की मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पर जल का जो दान होता है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से महाराज जी हैं और उस लीला को यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रभु जी राधे राधे। ये जलदान का महत्व है यहाँ पे, तो पुजारी से पूछ लो जी, बड़े पुजारी है ना, आप जल पिला, जल पिलाते हैं, हमारा काम पानी है, यहाँ भक्त लोगों को सबको जल पिला रहे हैं, यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। जैसे कि हमारे जडेजा जी ने भी हमको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जल का जो दान होता है ना उसका दर्शन भी हमने यहाँ पे किया, वो वास्तविकता है इस स्थान की कि कैसे यहाँ पर सभी भक्त लोगों को जल यहाँ पर पिला रहे हैं, और ये विशेषता है। हम भी जल पिएंगे, हम भी देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह का अनुभव है। इस समय आप रुक्मिणी मंदिर को जो आप देख रहे हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये एक चीज़ को आप देख सकते हैं कि किस तरह की इसकी बनावट है, और ऊपर ध्वजा जो आप देख रहे हैं रुक्मिणी माता मंदिर की। अब हम आपको सामने से दर्शन कराते हैं और वहाँ पर किस तरह का दर्शन है, आइए चलते हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि हम रुक्मिणी माता मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ खड़े हुए हैं और अभी पट लगे हुए हैं, और सभी जो भक्त लोग हैं वो अपने दर्शन का इंतजार कर रहे हैं रुक्मिणी माता का। और मेरे ऊपर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, हम बिल्कुल गर्भगृह के सामने रुक्मिणी माता मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, और मेरे आगे आप देखेंगे सभी भक्त लोग लाइन कतार से खड़े हुए हैं, और हम आपको यहीं से दर्शन कराएंगे। वो आप सामने दिखाइए जूम करके कि किस तरह से माता रुक्मिणी के अंदर का जो दृश्य है, ये देखिए आप मंदिर जैसे पट खुलेगा उसका दर्शन कराएंगे। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि हम ये जो मंदिर है उसका दर्शन आपको करा रहे हैं, आइए चलते हैं और आगे की तरफ भी आपको दिखाएंगे इस रुक्मिणी माता मंदिर को। रुक्मिणी माता का मंदिर हम इस समय देख रहे हैं। तो आज हमने जो दर्शन किए वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी माता के दर्शन किए, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारकाधीश से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।